खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि इस प्रदेश में पार्टी की वर्चुअल रैली 14 जून को 11 बजे होगी। यह रैली हरियाणा के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली होगी। उन्होंने कहा कि इस रैली का संबोधन पंचकुला से होगा। यह रैली 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद जैसे में होगी। उन्होंने कहा कि रैली में लाखों लोग ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह वर्चुअल रैली साक्षात रैली के स्वरूप जैसी होगी, बस इसमें लोग ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे। रैली को मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी सांसद डॉक्टर अनिल जैन और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। इसमें सरकार की उपलब्धियों व भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। केएनएन मीडिया के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूर्ण हो चुका है, और क्योंकि हम इस समय कोरोना संक्रमण काल से निकल रहे हैं, आज हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, हमें फेस कवर भी लगाना है, हमें सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी भी रखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और निरंतर जो लोगों के बीच में रहा, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल था या कोरोना से पहले दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के 8-10 महीने थे, लगातार लोगों में बीच में रहते हुए जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले इस बार पार्लियामेंट ने किए, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपस्थित था, और वो सौभाग्य मुझे मिला कि जब धारा 370 को हटाने के पक्ष में जब मेरे को बटन दबाने का मौका मिला और 370 वोटों से धारा 370 को हटाया गया। मैं सौभाग्यशाली था कि जब ऐसे लाखों जो पीड़ित धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए लोग पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के थे, उनको यहाँ के नागरिक बनाने का जब बटन दबाने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली था आपके आशीर्वाद से। और जिस तरह से 3 तलाक की कुप्रथा, जबकि अनेक मुस्लिम देशों में ये हट चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण हम वर्षों से उस कुप्रथा को ढोते आ रहे थे, जिसमें मेरे मुस्लिम बहनें बहुत ज़्यादा पीड़ित होती थी कि 3 बार तलाक 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 कहने से उनका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और इस तरह का ऐतिहासिक फैसला, और मैं कहूँगा कि बोल्ड फैसला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। वो कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज जनता का, हिंदुस्तान की जनता का नहीं, दुनिया के अंदर कोई भी देश ऐसा है, वो हर देश कहते हैं कि मोदी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह कोरोना के अंदर सभी देश एक तरह से पैनिक हो गए थे, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्री भी पैनिक हो गई और बड़ा भारी नुकसान कोरोना के कारण हुआ, वहाँ हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि थी कि जिस तरह से उन्होंने पहले जनता कर्फ्यू और उस तरह उसके बाद जब लॉकडाउन के नियमों को उन्होंने बार बार पालन करने का आग्रह किया, पंचाग्रह करे उन्होंने, हमारे से 5 आग्रह करे, उस तरह से मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों की संकल्प शक्ति और जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, चाहे यहाँ का प्रशासन था, चाहे पुलिसकर्मी थे, चाहे सफाई कर्मी थे, चाहे मीडिया कर्मी थे, सब ने जन जागरूकता करते हुए बड़े प्यार से सबको समझाते हुए कोरोना संक्रमण काल में MHA की जितनी गाइडलाइंस थी उसको पालन किया, जिससे हम काफ़ी हद तक इस नुकसान को बचा पाए। आज वो एक वर्ष जो पूरा हुआ है, ऐतिहासिक एक वर्ष पूरा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से संक्रमण काल है, एक जगह पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके हम रैली नहीं कर सकते, तो उसका एक मैं कहता हूँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है वर्चुअल रैली के माध्यम से। एक ही समय में कल हम 11 बजे लाखों लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता माननीय नरेंद्र तोमर जी, हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी हम सबको संबोधित करेंगे। निर्णय प्रदेश सरकारों पर सौंपे हैं और प्रदेश ने कुछ निर्णय जिला एडमिनिस्ट्रेशन पर सोचे हैं। ये समय और परिस्थितियाँ और काल के अनुरूप टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहेंगे। अगर स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ेगी तो हर तरह हर चीज़ संभव है कि बॉर्डर भी सील हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 2020
हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, अपने को सतर्क रहना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। बिना डर के सतर्क रहते हुए अभी आप देखिए कि हम चाहे सब लोग मास्क लगा के फेस कवर लगा के खड़े हैं, सबको चेहरे पे गर्मी भी महसूस हो रही होगी, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है। थोड़ी असुविधा जरूर है जीवन के अंदर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने पूरे देश को इस कोरोना संक्रमण से बचाना है। लेकिन परमात्मा का शुक्र है, यहाँ का क्लाइमेट लगाइए या हम लोगों का इम्यून सिस्टम लगाइए, मैं समझता हूँ डेवलप कंट्री के अंदर जहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस है वहाँ पर भी डेथ रेट जो है हमारी कंट्री के मुकाबले ज़्यादा है। और हम सब लोग क्योंकि कोरोना के केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम लॉकडाउन में पहले तो अपने घरों में थे, अब हम संपर्क में आ रहे हैं। कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस और बीमारियां हैं, लेकिन कोरोना के अंदर सबसे खतरनाक बात यह है कि एक दूसरे से बड़ी आसानी से ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए अगर हम दो गज की दूरी रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और फेस कवर लगाएंगे, और कवर भी ऐसा जो नाक और मुंह को ढकने वाला, और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे। मैं इस कोरोना संक्रमण काल में अगर अपनी बात बताऊं, सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, नीम का दातुन लेता हूं, हल्दी वाला रात को दूध लेता हूं, और जो काढ़ा जो आयुष विभाग ने हमें दिया है उसका मैं सेवन करता हूं। मैं समझता हूं मैं अनेक सैकड़ों लोगों से रोज़ मिलता हूं, आप भी देखते हैं, मैं समझता हूं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई ईजाद नहीं हुई, वो ईजाद होने में 1 साल लगेगा। कोरोना की दवाई हमारी बॉडी ही अंदर से ईजाद कर रही है, अपने आप कर रही है, लेकिन वो तभी कर पाए कि जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक है।